झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन आज चारा घोटाला में सजायाफ्ता रिम्स में इलाजरत। राजद सुप्रीमो लालू यादव से मिलने रिम्स निदेशक के बंगला पहुंचे और लालू यादव से मुलाकात की। माना जा रहा है कि बिहार चुनाव के दौरान झारखंड मुक्ति मोर्चा इस बार बिहार में तकरीबन एक दर्जन सीट पर चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटा है और इसको लेकर के जेएमएम महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहती है। इसी को ध्यान में रखकर हेमंत सोरेन लालू यादव से मिलने पहुंचे और हेमंत सोरेन के पहुंचते ही मीडिया भी वहां पहुंच गई। तो हेमंत सोरेन मीडिया से बात करने के लिए रुके, पर मीडिया ने उनसे पहला सवाल यही कर दिया कि लालू यादव झारखंड में जेल मैनुअल का उल्लंघन कर रहे हैं। यह सवाल सुनते ही हेमंत सोरेन ने कहा कि ऐसी कोई जानकारी उनके पास नहीं है। हेमंत सोरेन ने कहा कि लंबे अंतराल के बाद लालू प्रसाद का स्वास्थ्य का हाल जानने आए थे। हेमंत ने मीडिया के सवाल पर क्या कहा उन्हीं से सुनते हैं। लगातार जेल मैनुअल की धरपकड़ हो रही है सर, लोग बायोडाटा जमा कर रहे हैं। अब ये आपकी बात हुई, हमारी संज्ञान में ऐसी कोई बातें नहीं आई है। इस वजह से आपके इस विषय को आधिकारिक रूप से मैं नहीं उसमें जवाब देने के लिए सक्षम हूँ, और इसको जब तक हम लोग नहीं देख पाएँ, नहीं देखें या सही तरीके से, क्योंकि यहाँ व्यवस्थाएँ हैं, पुलिस व्यवस्थाएँ हैं, और यहाँ पर जो व्यवस्था के तहत लोग जाते हैं उसी व्यवस्था के तहत ही अंदर बाहर होते हैं। डॉक्टर तो है नहीं जो बता सकते हैं, और विशेषकर यहाँ आप सब उपस्थित हैं जो आपकी उत्सुकता है, क्योंकि बिहार में चुनाव भी है। आपका अगला सवाल होगा कि इस विषय में आप क्या बात है। इस पर मैं आपको यही बताना चाहूँगा कि इस विषय को लेकर इनके लोग अधिकृत हैं पहले से, और राजनीतिक बातें राजनीतिक प्लेटफॉर्म पर ही हम लोग करेंगे, और बिहार में हम लोग सात चुनाव लड़े, इसकी प्रारूप की तैयारी हो रही है। कितनी सीटों पर आपने कही बातें रखी हैं, कुछ सीटें कितनी सीटें? वो हमने कहा कि ये उचित प्लेटफॉर्म से ही ये बातें आपको बताई जाएंगी कि कहाँ क्या बात हुई, क्या कितनी बातें हुई, कौन किस तरीके से भूमिका में रहेगा, और उसके लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। जेल मैनुअल के उल्लंघन पर हेमंत सोरेन ने खुलकर तो कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया के सवाल से वो घबरा जरूर गए थे। उन्होंने एक तरह से ये इंडिकेट कर दिया कि जिन सवालों को मीडिया ने उनसे पूछा है उस सवाल का जवाब वो आधिकारिक तौर पर नहीं दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि बिहार चुनाव को लेकर के वो लालू यादव से मिलने आए थे और उसका नतीजा क्या हुआ वो मीडिया को बाद में बताएंगे। एक बात आपको बता दें कि हेमंत सोरेन ये अच्छी तरह से जानते हैं कि बिहार में अगर उनको या उनकी पार्टी को चुनाव लड़ना है तो इसके लिए उनको लालू यादव की पार्टी आरजेडी के साथ लड़ना होगा। और जब हेमंत सोरेन लालू यादव से मिलने पहुंचे तो मीडिया ने उनसे जेल मैनुअल के उल्लंघन का सवाल दागकर पेशोपेश में डाल दिया। हालांकि हेमंत सोरेन इस सवाल को टाल गए। खुलासा के लिए रांची से संतोष श्रीवास्तव की रिपोर्ट।